आ गई है। हाँ था फ्राइडे को ही आ गई थी सुबह में। देखो जी जान, तो देखिए मोल, जैसे हम लोग जानते हैं मोल एक नंबर होता है, ठीक है। मोल क्या हो गया, एक काइंड का नंबर हो गया। तो वन मोल, जैसे हम लोग कहते हैं कि एक पेयर में, वन पेयर में कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स होते हैं, देर आर टू ऑब्जेक्ट्स, है ना, टू ऑब्जेक्ट्स। अब ये ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, हाथी घोड़ा कुछ भी हो सकता है ना। तो एक नंबर को बता रहा है कि दो चीजें हैं तो उन्हें पेयर में बात करेंगे। तो बहुत सारी चीजें पेयर में अवेलेबल होती है। इसी तरह से आप डजन की बात करते हो, वन डजन, तो वन डजन का क्या मतलब होता है, वन डजन का मतलब होता है 12 ऑब्जेक्ट्स। अब ये ऑब्जेक्ट की स्पेसिफाइड किसी चीज से आप कह सकते हो, है ना, कि 12 ऑब्जेक्ट्स है। इसी तरह से जो हमारा एटॉमिक लेवल पे बात करते हैं तो ये एक ह्यूज नंबर को डील करना होता है ना। एटम मॉलिक्यूल्स ऐसे ही नेकेड आई से परे हैं वो, तो उनको डील करने के लिए हम लोग कहते हैं कि एक ह्यूज नंबर होता है 6.022 × 10³ ऑब्जेक्ट्स, है ना। अब ये ऑब्जेक्ट केमिस्ट्री के भाषा में क्या हो सकता है, ठीक है, ये वही एटम मॉलिक्यूल आयंस इलेक्ट्रॉन्स इन्हीं की बात होगी, ठीक है। तो हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में, हालांकि ये कुछ भी हो सकता था, लेकिन केमिस्ट्री में हम लोग इसे, हम लोग क्या कह सकते हैं कि एटम्स की बात कर सकते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल हो सकता है, मॉलिक्यूल्स और आयन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी बातें होंगी केमिस्ट्री की भाषा में, बाकी ये किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है ना। इतना अगर मान लो कि एक, अगर हर सेकेंड मान लो तुम 1,00,000 रुपया कमा रहे हो, तो 1 मोल रुपया कमाने में कितना टाइम लगेगा निकालो। अगर हर सेकेंड 1,00,000 रुपया तुमको मिला है, हर सेकेंड, है ना, हर सेकेंड 1,00,000 कमा रहे हो, मान लो तुमको किसी ने ऑफर दे दिया कि चलो ये हर सेकेंड तुमको 1,00,000 देंगे, तो एक मोल रुपया इकट्ठा करने में डिवाइड करोगे ना, ठीक है। हाँ, तो अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ सेकेंड्स, ठीक है, नंबर ऑफ सेकेंड्स, ठीक है, कितना हो जाएगा, 6.022 × 10⁻²⁰ × 10⁵, 1,00,000 × 5 होता है ना, कितना आ जाएगा, 6.022 × 10⁻¹⁸ बचेगा, क्यों, 18 इतने सेकेंड्स हो गए। अगर सेकेंड को अगर आर्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करें, हम ला आर्स में 3600 से करेंगे, जंप है निकल, 3600 सेकेंड में 1 घंटा होता है ना, तो इतने से डिवाइड, इतने का क्या आ जाएगा, आर्स आ जाएगा। ये बात समझ में आया ना। अब ये अगर मान लो, अगर हमें क्या करना है, इसे डे में कन्वर्ट करना है, डे में, तो 6.022 × 10⁻¹⁸ और 24 से और डिवाइड, ये तो घंटा हो गया ना, और 24 घंटा, एक दिन में 24 आवर्स होता है, इसका मतलब कि हम 24 से और क्या कर दे, डिवाइड कर दे, तो ये क्या आ जाएगा, डेज आ जाएगा। ये बात समझ में आ गया। और अगर हमें क्या करना है, है ना, अगर हमें ईयर निकालना है तो हम क्या कर दे, 365 × 22 × 10⁻¹⁸ 3600 × 24 × 365। ये बात समझ में आ गया। तो इतना हो जाएगा। अब अगर तुम ये सोचो कि ये 3600 को, अब हम आसान कैलकुलेशन, बस एक एस्टिमेट करना चाहते हैं कि क्या हो सकता है ना, तो 3600 को 4000 लिख दे, कोई दिक्कत है ना, थोड़ा सा कम है बस, क्या ही फर्क पड़ता है। 24 को हम 25 कर दिए, ठीक है, थोड़ा, है ना, इसको हमने 360 को, चलो सबको बढ़ाई नहीं, इसको घटा दे रहे हैं, 300 कर दे, ये बात समझ में आया, ऐसे कर दिया। तो अब देखो 25 चौके 100, 2 जीरो तो और आ गया, इसका तो 4 जीरो इससे कम हो जाएगा, 4 जीरो कम होने का मतलब कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और 2 जीरो ये तो क्या हो जाएगा, 12, और ये 3 से डिवाइड कर दे यहाँ पे, तो 2 × 10⁻¹ लिख दे हम, 12 ईयर। अभी बताओ 10⁵ 1,00,000 साल होता है, 10 × 12 ईयर, क्या पॉसिबल है इतना पैसा कमाना, हर सेकेंड भी 1,00,000 रुपया लगेगा तो ये पता नहीं, मतलब 10⁻¹² ईयर लग जाएंगे जो हमारी लाइफ
सिर्फ 60 साल की है मात्र, ये बात समझ में आया ना? सोचो कि ये क्वांटिटी कितनी बड़ी है, ये बात समझ में आया ना? ठीक है। अरे तुम, हम बस ये डेटा के थ्रू बताना चाहते हैं कि ये नंबर कितना बड़ा है ना। अगर मान लो, नहीं मान लो गवर्नमेंट लेवल कहीं भी काम हो रहा है, फिर भी इतना पैसा नहीं कमाया जा सकता है, ठीक है? ये बात समझ में, इतना यूज नंबर है ये, उसके पास भी नहीं पैसा हुआ इतना। एलन मस्क इतना पैसा नहीं होगा उसके पास। ये नंबर देखो, ये नंबर बहुत ज्यादा है, ठीक है? पैसा ही नहीं इतना, ठीक। तो अब देखो, रिलेटिव मॉलिकुलर, रिलेटिव एटॉमिक मास है ना, रिलेटिव एटॉमिक मास, अरे इधर छोड़ो उसको, देखो रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास या इन शॉर्ट RAM कहते हैं, राम हो गया ना, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो क्या होता है, जैसे किसी भी एटम को अगर उसका एक नंबर एक दिया जाए, जैसे मान लीजिए कि हम हर चीज को, हमने क्या किया कि ये मालूम मोबाइल ले लिया, ये एक यूनिट डिफाइन कर दिया हमने, है ना। अब किसी बुक को हमने क्या किया कि इससे कंपेयर किया, अगर बुक इसके वेट से मान लो 30 टाइम्स है तो उसे एक नंबर अलॉट कर दिया, 30 हो गया। मान लो हमारे वेट से ये अगर हमारा जो वेट है ना, उसका ये कितने टाइम्स है, मान लो 250 टाइम्स है, तो हम अपना नंबर क्या अलॉट कर लेंगे, 250। तो 250 क्या बता रहा है, 250 ये बता रहा है नंबर, वो बता रहा है कि हम इस मोबाइल से कितने टाइम्स हैवियर है, या बुक का जो हम 30 या जो बताए थे 30 नंबर बताए थे, इससे ये पता चलता है कि वो 30 टाइम्स क्या है, हैवियर है। इसी तरह से जितने भी एटम्स होते हैं, चाहे आपके पास हाइड्रोजन हो जाए, है ना, मास नंबर क्या होता है, 1 होता है, या फिर आपका कार्बन हो जाए, कार्बन का मास नंबर क्या होता है, 12 होता है, जो नॉर्मल कार्बन होता है ना, या फिर इसके आइसोटोप्स की बात करें जाए तो 13 भी होता है, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करी जाए 16 होता है। तो इन नंबर्स का क्या मतलब है, इन नंबर्स का मतलब ये होता है कि ये एक रेफरेंस के थ्रू ये नंबर दिया गया है, ये इनका मास नंबर है। जब भी हम लोग पढ़ते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, तो ये ध्यान देना चाहिए कि रिलेटिव एटॉमिक मास नंबर है, इनको इसका जो एक्चुअल वेट होगा, है ना, इनको आपने कुछ तौला होगा, इनका जो एक्चुअल वेट आया होगा, वो कुछ वेट होगा, कुछ मास होगा इसका, है ना, उस मास को मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ वन एटम अपॉन मास ऑफ, ठीक है, 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम, कार्बन 12। तो कार्बन 12, जो कार्बन का मास है ना, उसका 12th पार्ट को रेफरेंस बना लिया गया, और उसी से सारे एटम को क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है। अब हाइड्रोजन के लिए वो क्या आता है, इसी को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास नंबर, RAM कहते हैं। ये बात समझ में आया ना? इसका मतलब ये सिर्फ नंबर्स होते हैं। अगर ये कह दिया जाए ये 12 है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब कार्बन 12 के 12th पार्ट से ये 12 टाइम्स हैवियर है। तो कार्बन का जो 12th पार्ट है वो क्या बना दिया गया, एक रेफरेंस बना दिया गया, क्या करने के लिए, सारे एटम के मास को एक नंबर अलॉट करने के लिए। तो पहली बात, दीज आर द ओनली नंबर्स, ये क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, है ना। और ये 16 लिखने का क्या मतलब हुआ, ये 16 टाइम्स हैवियर है किससे, नहीं कार्बन के, कार्बन जो 12 है, कार्बन में 3 एटम होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं, कौन कौन, कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 होता है और कार्बन 14 होता है। ये बात समझ में ना, ठीक है। तो कार्बन 13, कार्बन 14 और कार्बन 12 हो गया। कार्बन 12 सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो इसी को रेफरेंस लिया गया है, इसी को क्या रिफर किया गया, रेफरेंस। ये बात समझ में ना, इनको रेफरेंस नहीं लिया गया है। तो कार्बन 12 का जो भी मास होगा उसके 12th पार्ट को क्या बना दिया गया,
बारहवें हिस्से को रेफरेंस बना दिया गया, और सारे एटम जो आपके पास इंडिविजुअल 118 एलिमेंट आपके पास मौजूद हैं, उनके इंडिविजुअल एटम को क्या किया गया, बारी बारी कंपेयर किया गया उनके मास को, तो जो भी नंबर प्रोड्यूस हुआ उन नंबर को हमने अलॉट कर दिया इनके लिए। हाइड्रोजन के लिए 1 प्रोड्यूस हुआ, तो इसके लिए नंबर क्या अलॉट कर दिया गया, 1। इसका मतलब ये 1 टाइम्स हैवियर है। इस कार्बन, अगर मान लो कि ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन का 16 है, इसका मतलब ये क्या है, ये एटम 16 टाइम्स क्या है, हैवियर है देन 12th पार्ट ऑफ द कार्बन। ये बात समझ में ना, मास ऑफ 12th पार्ट ऑफ द कार्बन, ये बात समझ में आ गया, ठीक है। तो ये लिख लो रिलेटिव एटॉमिक, टीचर बनना हो गया तो जिंदगी में ठीक, मतलब सरकारी नौकरी चाहिए तो लिखो द रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ टाइम्स वन एटम ऑफ द एलिमेंट इज हैवियर देन वन एटम ऑफ द एलिमेंट इज हैवियर देन वन बाय 12 टाइम्स वन बाय 12 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 ठीक है। तो ये हो गया, हमने बताया कि कार्बन क्या मतलब होता है, तो क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लो एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 16, क्वेश्चन के फॉर्म में लिखो एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, रिकॉर्ड हो रहा है ठीक, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 16, व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन, तो आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहली बात है ना 16, सुनो पहले तो लिखो 16 इज ए नंबर, हाँ आंसर लिखो 16 इज ए नंबर विच रिप्रेजेंट ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स हैवियर, 16 टाइम्स हैवियर देन ट्वेल्थ पार्ट ऑफ कार्बन, देन ट्वेल्थ पार्ट ऑफ कार्बन 12 12th part of carbon 12। अब देखिए फ्रैक्शनल एटॉमिक मास आता है, कई बार नंबर दिया जाता है ना, क्या लिखेंगे फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, फ्रैक्शनल आरएम, इसका क्या मतलब हुआ,
हम लोग जानते हैं कि नेचर में जो हमारे पास एलिमेंट मौजूद है, जैसे हम लोग कहते हैं कि हाइड्रोजन जो है ये सिर्फ 1H1 के फॉर्म में नहीं है, है ना, इसमें क्या क्या होते हैं, 1H2 भी होता है, ठीक है, और 1H3 भी होता है। इन्हें क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। ये जो हाइड्रोजन का एटम होगा ये कार्बन 12 के 12th पार्ट के बराबर होगा, लेकिन जो ये ड्यूटेरियम है कार्बन 12 के 12th पार्ट का डबल है ये, और ये क्या ट्राइट्रियम जो है ये कार्बन के 12th पार्ट से 3 times हैवियर है ना। लेकिन इसका मतलब ये तीनों ही हाइड्रोजन है, तीनों की केमिकल बिहेवियर्स क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम है, तीनों ही हाइड्रोजन रिफर किए जाएंगे, लेकिन इनके फिजिकल बिहेवियर बदलने लगते हैं। इसी तरह से जो आपके पास क्लोरीन हो गया, क्लोरीन क्या होता है, हाँ 35 है ना और 37 होता है, क्लोरीन हो गया 35 और 37, लेकिन ये तो फ्रैक्शनल नहीं है, इनके परसेंटेज फिक्स होते हैं। ये जो नेचर में पाया जाता है ये 75% पाया जाता है ये वाला आइसोटोप, और ये जो पाया जाता है ये 25% पाया जाता है, ये बात समझ में है ना। अब जाहिर सी बात है कि हम मास नंबर क्या इसे अलॉट किया जाए, कैसे डिफर किया जाए, अगर हम बात करें इंडिविजुअल कार्बन जो क्लोरीन 35 है, इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन 12 के 12th पार्ट से 35 times हैवियर है, और ये क्या है कार्बन 12 के 12th पार्ट से 37 times हैवियर है। लेकिन क्लोरीन को क्या नंबर अलॉट किया जाए इंडिविजुअल क्लोरीन के लिए, जब ऐसी बात आती है आइसोटोप्स रहते हैं सिग्निफिकेंट है ना, परसेंटेज में रहते हैं, तो हम लोग इनका वेटेज मीन निकाल लेते हैं। जैसे हम लोग कहते थे अगर क्लास 8th या 9th या 10th की बात करें तो हम लोग मीन निकालते थे, मीन क्या होता था X1F1 याद है और प्लस X2F2 प्लस डॉट डॉट ऐसे रहता था अपॉन क्या होता था F1 प्लस F2 प्लस डॉट डॉट रहता था, ये बात समझ में आया ना। तो हम लोग इसी तरह से मीन निकाल लेते हैं, यहाँ जो फ्रीक्वेंसी का मतलब यहाँ पे जो हो जाएगा परसेंटेज हो जाएगा कि कितना परसेंट वो एग्जिस्ट कर रहा है, और X1 क्या हो जाएगा मास हो जाएगा। तो अगर हम बात करें परसेंटेज की या इसके मीन एटॉमिक मास की बात करें तो मीन क्या आ जाएगा इसका एटॉमिक मास का, तो हम कहेंगे 35 into 75 है ना, क्योंकि 75% है, और प्लस क्या हो जाएगा 37 into कितना आएगा 25% अपॉन टोटल क्या हो जाएगा 75 plus 25, तो ये आ गया आपका जो एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास अलॉट किया जाएगा किसके लिए, क्लोरीन के लिए। तो ये बताइए कितना आएगा लगभग, तो ये आ गया आपका 35 25 कॉमन कर लेते हैं ना, या कैलकुलेटर से हम कर लेते हैं इसको, कर लेते हैं कैलकुलेटर है तो कहे के लिए हम लोग इतना दिमाग लगाए, दिमाग बचा के रखे रहे हैं, बहुत जरूरत पड़ेगी। 35 into 75 plus 37 into 25 यह आ रहा है 35.50। इसका मतलब कि ये 35.50/100 हो गया, तो इसको क्या लिखोगे आप 35.5। तो ये फ्रैक्शनल एटॉमिक मास नंबर आ गया। तो फ्रैक्शनल एटॉमिक मास नंबर एग्जिस्ट करने का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जो डिफरेंट आइसोटोप्स हैं वो डिफरेंट परसेंटेज में हैं। तो हम लोग क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं, और मीन जो होता है वो क्या होता है जनरली फ्रैक्शनल वैल्यू देता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या इस्तेमाल करते हैं, 35.5 इस्तेमाल करते हैं। बस समझ में आ गया, तो नोट कर लो। तो क्या बताया हमने कि फ्रैक्शनल एटॉमिक मास है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्यों आता है, क्योंकि जो डिफरेंट आइसोटोप्स हैं डिफरेंट क्या करते हैं अलग अलग परसेंटेज में अवेलेबल होते हैं, तो जब हम लोग इसका वेटेज मीन निकालते हैं तो वो जनरली क्या आता है फ्रैक्शन आता है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास को हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया कि इट इज वेटेज मीन ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स प्रेजेंट इन
नेचर। तो जैसे एग्जांपल में हमने कहा कि क्लोरीन क्या है, क्लोरीन जो 35 है वो नेचर में 75% पाया जाता है, और क्लोरीन जो 37 है वो नेचर में क्या पाया जाता है, 25% पाया जाता है। तो जैसे हम लोग 8th 9th में फ्रीक्वेंसी निकालते थे, मीन निकालते थे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का काम क्या करेगा, जो डिफरेंट परसेंटेज है ना, तो 75 फ्रीक्वेंसी का काम करेगा, ठीक है, तो 75%। इसी तरह से X1 क्या काम करेगा, जो इसका रिलेटिव एटॉमिक मास नंबर 35 है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि 35 × 75 और प्लस 37 × 25 अपॉन क्या हो जाएगा, ठीक है, 100 आ जाएगा टोटल। तो ये निकालेंगे तो 35.5 आएगा, और ये एक फ्रैक्शनल वैल्यू है। हो गया। अब हेडिंग डालेंगे ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। अब ग्राम एटॉमिक मास का क्या मतलब होता है, जैसे हम लोग कहते हैं कि, अच्छा डेफिनेशन पहले लिख लीजिए, क्या लिखो, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट expressed in grams is called gram atomic mass, is called gram atomic mass। अब example, oxygen का एटॉमिक मास नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन मान लीजिए कि यहाँ पे हम, हाँ यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, ये आरएम हो गया रिलेटिव एटॉमिक मास नंबर, ठीक है, इधर एलिमेंट हो गया, और इधर हो गया ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। तो ऑक्सीजन कितना होता है, 16 होता है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास कितना हो गया, 16 हो गया, ये बात समझ में आया। तो यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या कहेंगे, 16 ग्राम कह देंगे, ठीक है। इसी तरह से आपका नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का क्या होता है, 714 होता है, तो एटॉमिक मास नंबर कितना दिख रहा है, 14 दिख रहा है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास आरएम क्या हो गया, 14 हो गया। इसको ग्राम में जब एक्सप्रेस करेंगे तो क्या कह देंगे, 14 ग्राम कह देंगे, ठीक है। इसी तरह से जो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम के 3 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है, 1H1, 1H2 और 1H3, और तीनों के मास नंबर क्या है, डिफरेंट है, इसका रिलेटिव एटॉमिक मास नंबर 1 है, इसका रिलेटिव एटॉमिक मास नंबर 2 है, इसका 3 है। अगर इनके मास को, रिलेटिव एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर दें तो 1 ग्राम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 ग्राम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 3 ग्राम हो जाएगा। तो ग्राम एटॉमिक मास सिंपल है कि उनका जो भी रिलेटिव एटॉमिक मास है उसको आप क्या एक्सप्रेस कर दीजिए, ग्राम में एक्सप्रेस कर दीजिए। अब ये करके मिला के हम लोगों की तो आसान चीज है ना, लेकिन मिला क्या, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो इसका सिग्निफिकेंस बहुत बड़ा है और बहुत कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो हम लोग ये कहते हैं कि ये एक नंबर था, इससे क्या पता चल रहा था कि ऑक्सीजन एटम जो है ये 16 टाइम्स हैवियर है
कार्बन 12 के 12th पार्ट से, ये पता चल रहा था। लेकिन 16 ग्राम का मतलब ये हो गया कि अब आप एक मोल एटम की बात कर रहे हो। तो जब भी हम किसी चीज को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, अगर हमने कह दिया 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम हमारे पास है, इसका मतलब नंबर फिक्स हो गया, वो एक मोल स्पेसी की बात कर रहा है। ये बात समझ में आया ना? तो जब भी हम लोग ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं, उसे हम मोलर मास भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मोलर मास भी कह सकते हैं। तो ग्राम एटॉमिक मास कहें या मास ऑफ वन मोल स्पेसी कहें, जैसे हमने ग्राम एटॉमिक मास क्या है, 16 ग्राम है इसका, इसका मतलब एक मोल ऑक्सीजन एटम का मास क्या होगा, 16 ग्राम। या यूं कहें 16 ग्राम में एक मोल एटम होंगे, किसके एटम, ऑक्सीजन के। लेकिन अगर हम 16 ग्राम में हाइड्रोजन के एटम पूछें, तो एक ग्राम में एक मोल हाइड्रोजन एटम हो जाते हैं, तो 16 ग्राम में 16 मोल हो जाएंगे, इसके एटम ज्यादा हो जाएंगे। ये बात समझ में आया ना? तो ये क्या एक्सप्रेस करता है, तो ग्राम एटॉमिक मास को हम और क्या कह सकते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड, यहां पे लिख दे मोलर मास। तो ग्राम एटॉमिक मास इज आल्सो कॉल्ड मोलर मास, क्या लिख देंगे, ग्राम एटॉमिक मास इज आल्सो कॉल्ड मोलर मास। मोलर मास इसका मतलब क्या हुआ, मास ऑफ वन मोल स्पेसीज। अब वो स्पेसीज एटम मॉलिक्यूल आयन इलेक्ट्रॉन कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है, एटम मॉलिक्यूल आयन की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा इसमें। ये बात समझ में आ गया? तो जब भी कहा जाए कि 16 ग्राम में कितने ऑक्सीजन एटम होंगे, एक मोल, मतलब 6.023 × 10^23 एटम होंगे। ये बात समझ में है ना? तो हम नंबर ऑफ एटम को डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं ग्राम में अगर दे दिया जाए तो, ठीक। तो अब हेडिंग डालो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, लिख लो। अच्छा पूरा उतारना है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। मतलब क्या हो जाएगा, RMM, जो RMM है ये क्या हो गया, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल अपॉन 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम। मतलब रिफरेंस नहीं बदला गया, बस मॉलिक्यूल बदल गया है। अब एटम मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है, हम लोग जैसे जानते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन एटम है ना, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है सपोज, ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, डायटॉमिक पता है, ठीक है। इसी तरह से ओजोन मॉलिक्यूल है, ये ओजोन मॉलिक्यूल हो गया, तो ये ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है जिसमें दो एटम मिलके बनते हैं, और ये क्या है, ओजोन मॉलिक्यूल है, दो एटम ऑक्सीजन के मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो ये ओजोन का मॉलिक्यूल है और ये क्या है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। ये हमारी सांसों की रक्षा करता है और ये हमारे स्किन की रक्षा करता है, ऊपर से अल्ट्रावायलेट रेस, ठीक है, फिल्टर कर देता है एक तरह से, है ना, और ये अपनी भी रक्षा नहीं कर पाता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिकली क्या है, अनस्टेबल है। तो 2, कितना आएगा, 6 आएगा। ये बात समझ में आया ना? तो जो एटम है ये इलेक्ट्रॉनिकली अनस्टेबल होते हैं, है ना,
इसका मतलब कि ये इनकी एग्जिस्टेंस नहीं होगी फ्री स्टेट में, किसकी एग्जिस्टेंस होगी मॉलिक्यूल की। ये क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। जैसे मान लो कि ये 6 वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो 6 वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन है, दो और चाहिए तो दो फ्रंट में रखा, दूसरा वाला ऑक्सीजन भी दो ले आएगा शेयर करने के लिए, उसको भी दो ही चाहिए, तो ये लोग क्या कर लेंगे शेयर कर लेंगे, और शेयर करके अपना ऑक्टेट क्या कर लेंगे कंप्लीट कर लेंगे, तब बात होगी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की। ये बात समझ में आया ना। इसका मतलब इसी तरह से ओजोन मॉलिक्यूल आपस में बॉन्डिंग करेगा, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में देखेंगे। तो जब भी अगर आपसे कहा जाए वन मोल ऑक्सीजन, जब तक एटम ना कहा जाए, बिना स्पेसिफाइड हो, आप मॉलिक्यूल समझेंगे, है ना। तो अगर हम ये पूछे या कोई कहेगा एक मोल हाइड्रोजन, इसका मतलब एक मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। अगर एक मोल ऑक्सीजन कोई कहता है तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, एक मोल क्लोरीन कोई कहता है तो क्लोरीन मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, वो एटम की बात, जब भी एटम की बात उसको करनी होगी या आयन की बात करनी होगी तो आयन और एटम स्पेसिफाई करेगा या बोलेगा कि हम एटम की बात कर रहे हैं। क्यों मॉलिक्यूल कहना क्यों जरूरी नहीं है, क्योंकि उसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है नेचर में, लेकिन इन लोगों की एटम की और आयंस की एग्जिस्टेंस नेचर में डायरेक्ट नहीं है। ये बात समझ में आया ना। तो ये ध्यान देना कि जब भी कोई पूछे एक मोल ऑक्सीजन का है, तो समझ जाना कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, एटम की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये नोट कर लिया, फिर लिखो द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड इज द नंबर दैट रिप्रेजेंट्स हाउ मेनी टाइम्स वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इज हैवियर देन वन बाय ट्वेल्व ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, एन एटम ऑफ कार्बन 12, ठीक।
हो गया। अब हेडिंग डालिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास तो लिखिए द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस The molecular mass of a substance expressed in gram is called gram molecular mass. और मोलर मास जैसे मान लीजिए इधर मॉलिक्यूल लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम मॉलिक्यूल लिख दे रहे हैं और आपको यहाँ पे RMM बताना है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, और यहाँ पे क्या बताना है, ग्राम या मोलर मास बताना है। मोलर मास या हम लोग क्या कह लें, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोलर मास, ठीक है। तो अब यहाँ पे मॉलिक्यूल कुछ लिख रहे हैं हम लोग, जैसे मान लो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, ठीक, इसी तरह से वाटर मॉलिक्यूल हो गया, ठीक, HCl हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया CuSO4, ऐसे ब्लू बिट्रॉल हो गया कॉपर सल्फेट .5H2O हो गया, ठीक है। ब्लू बिट्रॉल क्या, कोई अब ये क्या होता है, सॉल्ट होता है, नहीं, ब्लू बिट्रॉल नाम से ही पता है कि ब्लू होता है, ठीक है। तो देखो नाइट्रोजन, अब इसमें कौन कौन से एटम इन्वॉल्व है, एटॉमिसिटी देखिए, नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी 2 है, एक एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होता है, 14 होता है, और यहाँ पे एटम कितने इन्वॉल्व है, 2 है, तो 2 × 14 मतलब कितना आ जाएगा, 28, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे 2 टाइप के एटम है, हाइड्रोजन की जो एटॉमिसिटी है मतलब नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल वो 2 है, और एक एटम का मास कितना होता है, 1 होता है नॉर्मल हाइड्रोजन के, ना। ऑक्सीजन के कितने एटम है, एक एटम है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, तो कितना आ जाएगा ये 18 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो वाटर मॉलिक्यूल है कार्बन 12 के 12th पार्ट से 18 टाइम्स हैवियर है, ठीक है। इसी तरह से HCl ये हो गया 1, और ये एक एटम क्लोरीन के हैं और एक का होता है 35.5 होता है, तो दैट कम्स आउट टू बी 36.5 आ गया। ऐसे CuSO4, Cu का 63 होता है ना, 63 एक एटम है, सल्फर का 32 होता है, एक एटम है, ऑक्सीजन का क्या होता है, 16 होता है, तो ये कितना आ जाएगा, तो 64 दुना 128, 128, 129 और 30 159 ना, ठीक है। इसी तरह से CuSO4 डॉट क्या है, 5H2O है,
अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसका मास वो हमारा 159 आया है, है ना, और प्लस 5 टाइम्स वाटर का मास, और वाटर का मास कितना निकाला हम लोगों ने, 18 निकाला है, तो ये कितना आ जाएगा, ऐड करके बताओ, 90 हो गया ना, 100 होता तो ये 259 हो जाता, 10 कम है तो 249 हो जाएगा। समझ में आ गया? अब ये तो आपके रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है, इसका मतलब कि जो आपका ये ब्लू विट्रॉल का मॉलिक्यूल है, एक सिंगल मॉलिक्यूल है, ये कार्बन के 12 पार्ट से, कार्बन 12 के 12 पार्ट से 249 टाइम्स क्या है, हैवियर है, लगभग 250 गुना हैवियर है ये, ये बात समझ में आया ना। लेकिन अगर हमें ग्राम ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना हो या फिर मोलर मास निकालना हो, तो सिंपली इन्हीं को ग्राम में एक्सप्रेस कर देते हैं, तो 28 ग्राम हो गया। इसका मतलब अब हम लोग कितने लोगों की बात कर रहे हैं, एक दो या एक दर्जन की नहीं, एक मोल मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं हम लोग, मोलर मास है, एक मोल मॉलिक्यूल किसका, नाइट्रोजन का हमारे पास होगा, अगर 28 ग्राम हमारे पास नाइट्रोजन है तो। इसी तरह से यहां क्या हो जाएगा, 18 ग्राम, ये बात समझ में आया ना। इसका मतलब जो आप चाय पीते हैं, मान लीजिए 180 ml कॉफी ले रहे हैं ना, कॉफी मग बड़ा सा लिए हैं, उसमें 180 ml लिए हैं, अब 180 अगर मान लीजिए वो प्योर वाटर होता है ना, 180 ml मतलब इसका 10 गुना हो जाता है ना, 180, 1 ml का मास 1 ग्राम होता है वाटर का, डेंसिटी यही होती है इसकी, तो 180 ml का मतलब क्या हो गया, 180 ml का मतलब 180 ग्राम हो गया, और इसका कितना टाइम्स हो गया, 10 टाइम्स हो गया ना, 10 टाइम्स, इसका मतलब कि आप 10 मोल वाटर के मॉलिक्यूल पी गए, है ना, 10 मोल, और आपसे कह दिया जाए कि 1 मोल पैसा कमाइए हर सेकंड 1,00,000 रुपया, तब कमा नहीं पाओगे, लेकिन सट्टे से घटा के 1 सेकंड, है ना, ये बात है, तो कितना मतलब वो मॉलिक्यूलर लेवल पे है। इसी तरह से यहां पे हम क्या कहेंगे, इसका जो 36 पॉइंट क्या हो जाएगा, 5 ग्राम हो जाएगा, इसका कितना 159 ग्राम हो जाएगा, ठीक है, इसी तरह से इसका कितना हो जाएगा, 249 ग्राम हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से ऑक्जैलिक एसिड है ना, ये सब पॉपुलर नाम है जो आपके सामने आएंगे, H2SO4 हो गया, H2SO4 इसका निकालिए, ऑक्जैलिक एसिड, ऑक्जैलिक एसिड क्या होता है, COOH और COOH, ये ऑक्जैलिक एसिड है ना, दोनों का निकालिए, अरे दो ठो कार्बन है, चार ऑक्सीजन है, दो ठो हाइड्रोजन, तो कम होता है इसमें, तो लिखिए क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ NOH are present in 160 gram of it, हाँ 160 gram of it, हाँ खत्म। फॉर्मूला क्यों लग रहा है, सिंपल सोचो, देखो सुनो, चलो हम देख कर रहे हैं, देखो देखिए NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ना बोल के हमने जानबूझ के NOH बोला था कि आपको समझ में आया ना, बाद में ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH हो गया, तो ये क्या है, एटम है कि मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल है ना, इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल होगा ये। अब इसमें कितने अगर देखा जाए तो सोडियम एटम है, कैठो एक सोडियम एटम है और एक ठो क्या है ऑक्सीजन एटम है और एक क्या है हाइड्रोजन एटम है,
अब ए का आरएम रिलेटिव एटॉमिक मास नंबर 23 होता है इनटू 1 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है, एक एटम का आरएम रिलेटिव एटॉमिक मास नंबर, और हाइड्रोजन क्या होता है 1 होता है, तो कितना आ जाएगा तो 23 और 17 40 हो गया। तो ये क्या आ गया रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। और अगर हम इसे 40 ग्राम कहते हैं इसका मतलब क्या, चीजों को एक्सप्रेस करें हम, तो हम कहेंगे इसका मतलब हुआ कि 40 ग्राम ऑफ NaOH 40 ग्राम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स है ना, ऐसे लिख देंगे नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स इन 40 ग्राम ऑफ NaOH कितना होगा बोलो, 40 ग्राम NaOH में कितना मोल होगा? 107। अरे भाई हमने कहा था कि इसका जो मॉलिक्यूलर मास है सर, टू सुनो पहले, हमने ये कहा कि जो इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है अगर उसको ग्राम में एक्सप्रेस कर दो तो वो एक मोल स्पेसी का मास बताएगा। इसका मतलब 40 ग्राम में एक मोल मॉलिक्यूल होंगे, 40 ग्राम में कितने मोल होंगे, एक मोल होंगे, यही तो बताया हमने, वन मोल। अरे रुको तुम तो लगे, इसका मतलब कि एक ग्राम में कितने मोल हो जाएंगे, 1/40 मोल, और हमें निकालना कितने में है 160 में, तो 1/40 इंटू 160 कितना जाएगा 4 मोल। क्या हो गया 4 मोल। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात करता तो एक स्टेप आगे जाते हैं हम लोग, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते, ये बात समझ में आ गया ना। तो ये बेसिक डेफिनेशन थी जो आपको समझ में आनी चाहिए कि क्या मतलब होता है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास का, मतलब हम कैसे डिकोड कर लेंगे। ठीक, अब इसी को अगर हम फॉर्मूला के थ्रू जाए कि अगर नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालना हो यूजिंग फॉर्मूला, सेम चीज को यूजिंग फॉर्मूला, तो हम क्या कहते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स होता है, नंबर ऑफ मोल्स वो किसके इक्वल हो जाएगा, मास ऑफ मॉलिक्यूल, मास ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल, मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल। समझ आ गया? तो अब बताइए मास कितना, 160 ग्राम दिया गया है और मोलर मास कितना होता है 40 ग्राम होता है, तो यहां से साफ साफ कितना आ रहा है 4 मोल आ रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। लिखो सर, वो दिया गया था क्वेश्चन में 160 ग्राम में कितने मोल होंगे पूछा गया। लिखो नेक्स्ट, व्हाट इज द मास, व्हाट इज द मास इन ग्राम ऑफ 2.5 मोल्स, व्हाट इज द मास इन ग्राम्स ऑफ 2.5 मोल्स ऑफ स्लेक लाइम, स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड एस एल ए के ई डी, स्लेक्ड लाइम क्या होता है, स्लेक्ड लाइम क्या होता है? हाँ देखो सी ए ओ एच ट्वाइस स्लेक्ड लाइम होता है ना, और क्विक लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसे कहते हैं क्विक लाइम, और ये क्या है स्लेक्ड लाइम है, जब वाटर मिला दिया जाता है इसको तो स्लेक्ड लाइम बन जाता है ना, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहते हैं। तो
40 होता है। कैल्शियम का 40 हो गया मास नंबर या रिलेटिव एटॉमिक मास। ये इंफॉर्मेशन होती है ना, ये याद होनी चाहिए। कैल्शियम का 40 होता है रिलेटिव एटॉमिक मास, है ना, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 होता है। आगे का तुम्हारा सर कितना है? 74 उसका हुआ है। हाँ तो उतना पूरा निकालो, वैसे भी निकालूंगा। एक मोल का थोड़ी निकालना था, वो तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है ना 74, हमें 2.5 मोल का मास निकालना है। ये देखो हाँ, OH का जो भी मास हो उसका ट्वाइस कर देंगे। नहीं 185। तो देखो हमारे पास एक कैल्शियम एटम है, दो ऑक्सीजन एटम है, ठीक है, और एक दो हाइड्रोजन एटम है। ये बात समझ में आ गया? इसका मतलब कि जो कैल्शियम स्लेक लाइम का मास आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास 42 कितना जाएगा 16 और प्लस 2 इंटू क्या हो गया 1, और ये कितना आ रहा था 74 आ रहा था। इसका क्या मतलब हुआ कि एक मोल 74 आ रहा था ना 74 है, तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि एक मोल का जो मास है, एक मोल स्लेक लाइम का जो मास है वो क्या हो जाएगा, अगर एक मोल पार्टिकल आ जाए तो 74 ग्राम हो जाएगा। बसन में है ना, तो एक मोल का मास 74 ग्राम है, तो ढाई मोल का मास निकालना है, तो इसका ढाई से मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 से, है ना। तो क्या लिखेंगे, सिंस मास ऑफ वन मोल COS ट्वाइस इज इक्वल टू 74 ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे, ग्राम या मॉलिकुलर मास कह लें, मोलर मास कह लें, तो देयर फोर मास ऑफ 2.5 मोल है ना, कितना हो जाएगा 74 इंटू 2.5, और कितना रहा था 185 ग्राम आ गया। ये तो बिना फॉर्मूला यूज किए हो गया, है ना, और अगर फॉर्मूला यूज करें तो यहाँ पे क्या प्लेस करेंगे 2.5, हाँ, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जो भी हमारा 74 आया है मोलर मास, है ना, 74 रख देंगे, फिर यहाँ से आ जाएगा मास ऑफ, ठीक है, तो बस करते हैं। हाँ ठीक है, वो चीजें समझ पैदा करती है, बाद में फॉर्मूले से ही करना है, लेकिन अभी वो समझ पैदा करती है ना।